हेलो दोस्तों, आप जब भी कोई न्यू कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेने जाते होंगे मार्केट में, तो आपको मन में ये जरूर सवाल ज़रूर आता होगा कि SSD लें या फिर HDD वाला लैपटॉप लें या फिर कंप्यूटर लें। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। देखते हैं क्या क्या इसके डिफरेंसेस है दोनों में और दोनों में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDD के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये बेसिकली बहुत ट्रेडिशनल है, मतलब ये बहुत सालों से यूज़ करता हुआ आ रहा है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसके अंदर ये एक मोटा सा दिखने में डिवाइस, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक मोटा सा डिवाइस है जिसके अंदर एक डिस्क लगा रहता है जो कि रोटेट करता है और इसमें आपकी डाटा सेव होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होते हैं डाटा सेव करने का। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी मार्केट में। ये बहुत चीप होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्टोरेज देखने को मिलती है एक लो प्राइस पे। ये आपको मार्केट में 1 TB, 2 TB, 10 TB तक का भी हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएंगे, वही बहुत ही कम प्राइस पे। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, बेसिकली इसके अंदर एक डिस्क रहता है जो रोटेट करता है, उसके वजह से आपका डाटा सेव होता है उसके अंदर। तो जब मान लीजिए आपका आप किसी हार्ड डिस्क अपने हाथ में ले घूम रहे हैं और गिर गया वो, तो मान लीजिए उसमें डैमेज हो सकता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है, या फिर अगर आपका लैपटॉप में लगा हुआ है, लैपटॉप गिर गया आपका, तो आपका डिस्क डैमेज हो सकता है, आपका डाटा भी लॉस हो सकता है उसकी वजह से। और दूसरा, ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है क्योंकि इसमें एक मोटर लगा रहता है जो कि डिस्क को रोटेट करता है, वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। और ये बहुत ही मोटा और हेवी होता है जिससे आपका लैपटॉप और कंप्यूटर का वेट बढ़ जाता है। अब बात करते हैं SSD के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक सॉलिड स्टेट से बना हुआ रहता है, इसमें आपको कोई भी मूविंग पार्ट देखने में मिलता है। ये बिल्कुल एक चिप की तरह होता है जो कि चिप से थोड़ा बड़ा रहता है। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा उसका फ़ोटो। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट ना होने की वजह से आपको ये बहुत ही छोटा सा देखने को मिलेगा और ये बहुत ही हल्का होता है और इसे ईजिली कहीं भी कैरी किया जा सकता है और ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होता, ये आपको बहुत खोजने से ही मिलेगा, और ये अवेलेबल होगा भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और ये अगर डाटा ट्रांसफरिंग की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हार्ड डिस्क में, मतलब HDD में, आपको बहुत ही स्लो डाटा ट्रांसफरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी क्योंकि वो मूविंग पार्ट में डिपेंडेंट है, और SSD में आपको बहुत ही फास्ट ट्रांसफर देखने को मिलेगा क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में एक SSD को लगाते हैं तो आपका कंप्यूटर बहुत ही हल्का और लैपटॉप बहुत हल्का हो जाएगा और आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा उससे, क्योंकि उसमें आपको डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी। सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके लिए कौन सा ज़्यादा कंपैटिबल होगा। अगर मेरी मानो तो आप SSD को यूज़ करें अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, क्योंकि आपको इसमें डाटा ट्रांसफरिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई देखने को मिलेगी। और हाँ, हालाँकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए डाटा अपना सिक्योर करना है तो आप SSD की तरफ ही जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है और ये इसमें डाटा क्रैश होने का बहुत ही कम चांसेस होते हैं। या फिर आप अगर अपना बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो आप हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप एक्सटर्नली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना डाटा रख सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और आपके बजट में क्या आता है। बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।